छत्तीसगढ़ी फिल्म असली संगवारी ने मोर छैया भुइया के बाद नया इतिहास रचा है। शहर के ही कलाकारों को लेकर बनी इस फिल्म में शूटिंग भी बिलासपुर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में हुई है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बेहद कम लागत में बनी इस फिल्म ने कमाई के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बिलासपुर में पिछले दो हफ्तों में दर्शकों की अपार भीड़ देखी जा रही है, साथ ही नागपुर के दर्शक भी इस फिल्म को देखने यहां पहुंच रहे हैं। अच्छा लगा, और ये खासकर हम लोग छत्तीसगढ़ में बना है, इससे ना और बहुत अच्छा लगा। और पारिवारिक फिल्म था, इसको ना परिवार के साथ जाकर फिल्म देख भी सकते हैं। मैं खुद अपने फैमिली लोग के साथ आई हूँ देखने के लिए। बहुत बढ़िया फिल्म है ये, संदेश वाहक फिल्म है ये। और सबसे पहली बात, जो मद्य निषेध का एक इसमें शुरू में दिखाया गया कि शराब पीना बुरी बात है, तो जनता के लिए एक संदेश भरी फिल्म है। ये मेरी पहली फिल्म है और मैं बिलासपुर वालों का बहुत आभारी हूँ जो मुझे इन्होंने इस योग्य समझा। इस फिल्म में मुझे पहला ब्रेक मिला और अपार धन्यवाद है। इस फिल्म के माध्यम से मेरे को बहुत कुछ सीखने मिला है, जिससे मेरे को आगे चल के कलाकार के क्षेत्र में आगे मदद मिलेगी। कम से कम यहाँ के लोकल कलाकार हैं उनको लेकर के हर वर्ष एक फिल्म बना सके, तकनीक हमारे पास रहेगी तो भविष्य में हम लगातार इस टाइप का काम करते रहेंगे। यदि हम बाहर से यदि आयात करते हैं तकनीकियों का, तो भविष्य में हम फिर पुनः बनाने की स्थिति में नहीं हो सकते थे। निर्माता राजकुमार यादव के बैनर तले बनी इस फिल्म में मुख्य कलाकार के रूप में केशव वैष्णव सहित नायिका अंजना दास अद्भुत कलाकारी का परिचय दिया है। साथ ही विलन के रूप में जितेंद्र राजा कौशिक और विजय भौमिक नजर आ रहे हैं। वहीं फिल्म को अपने सुरीले संगीत से डीपी विश्वकर्मा ने सजाया है। इस हफ्ते रिलीज हुई बाहुबली और बजरंगी भाईजान जैसी बड़ी फिल्मों के बीच छत्तीसगढ़ी फिल्म असली संगवारी को लेकर भी दर्शकों में काफी रुझान देखने को मिल रहा है। पारिवारिक और दोस्ती पर आधारित इस फिल्म को लेकर दर्शकों में छत्तीसगढ़ी फिल्मों के प्रति रुझान बढ़ा है। कैमरा पर्सन सतीश बाटवे के साथ जयशंकर पांडे, सिटी न्यूज़।